ओम नमो नारायण। आप सभी जानते हैं 2024 में एकादशी कब है और माघ महीने की जय एकादशी 19 तारीख को है या 20 तारीख को है, जानेंगे कब है। डेट, शुभ मुहूर्त, सामग्री, पूजा विधि, मंत्र और आरती के साथ कहते हैं पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 फरवरी को पड़ रही है। हिंदू धर्म में इस दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है और विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं जय माँ लक्ष्मी, शुरुआत करते हैं पूजा विधि, हवन, सामग्री और किस प्रकार हमें करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है। सनातन धर्म में हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूजा से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी और पूजा से संबंधित चीज़ें हमारे चैनल पर बताई जाती हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो पूजा की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। इस दिन जगत के पालनहार श्री कृष्ण हरि विष्णु जी की पूजा उपासना का विधान है। पंचांग के अनुसार इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि जया एकादशी के दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने से पुष्प फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जया एकादशी के दिन शुक स्मृति के लिए कई विशेष उपाय भी किए जाते हैं। जानेंगे जया एकादशी की शुभ पूजा विधि, मंत्र, सामग्री, शुभ मुहूर्त कब है। जया एकादशी पंचांग के अनुसार इस साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी को हो रहा है और अगले दिन यानी 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 तक रहेगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब भी हमारी कोई भी तिथि दोपहर से आती है या सुबह में आती है तो हमारे यहाँ उदय तिथि वाले जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो सूर्य उदय वाली तिथि के होते हैं, उसी पर हम लोग त्यौहार मनाते हैं और इसलिए 20 फरवरी को जया एकादशी रखी जाएगी। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपके जीवन में कष्टों का निवारण नहीं हो रहा तो आप जया एकादशी व्रत रखिए। ये व्रत रखने से आपके कष्टों का निवारण होगा और सुख शांति वैभव की आपको कभी कमी नहीं होगी। लक्ष्मी आपके घर खुद आएंगी, कहते हैं विष्णु जी का पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं आती है। जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं और जहाँ हरि विष्णु होते हैं तो वहाँ तो लक्ष्मी माँ साथ ही रहती हैं, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की तंगी नहीं रहेगी। जानते हैं पूजा मुहूर्त। इस दिन सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 2:00 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बना रहेगा। पारण का समय जानेंगे। जया एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक रहेगा, यानी 6:55 से सुबह 9:55 तक रहेगा। इसकी पूजा की सामग्री जान लेंगे कि कौन सी सामग्री होती है इसमें। जब भी हम पूजा करते हैं तो किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। जया एकादशी की पूजा के लिए विष्णु जी की प्रतिमा यानी जो तस्वीर होती है, छवि होती है, वो जरूरी होती है। फल अवश्य होने चाहिए, फूल अवश्य होने चाहिए, सुपारी, लौंग, पंचामृत, तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, चंदन, मिठाई, अक्षत, दीप, धूप समेत सभी पूजन सामग्री एकत्र करके रखें आप लोग। इसको करने की ये हमारी सामग्री थी, लेकिन इसकी पूजा विधि किस प्रकार कहे जाएंगे यानी जया एकादशी की पूजा विधि जानेंगे, किस प्रकार करनी चाहिए, हमें व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। एकादशी से पहले दिन हमें चावल यानी अक्षत हमें नहीं खाने चाहिए। चावल से हमें परहेज रखना चाहिए, एक दिन पहले चावल बंद कर देना चाहिए और हमें तामसिक भोजन का भी परहेज करना चाहिए। यानी आप 20 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो आपको 19 तारीख को चावल नहीं खाने हैं और आपको प्याज या लहसुन का सेवन नहीं करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें आप, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपको अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी 3:30 से सुबह के 6 उदय होने
से पहले का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, यानी सूर्य उदय होने से पहले। घर के मंदिर की सफाई करें, विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। आप जिस भी मनोती के लिए व्रत रख रहे हैं उस व्रत का संकल्प लें। आपके अलग अलग कोई अपने परिवार के लिए रखना चाहता है, कोई अपने बच्चों के लिए रखना चाहता है, कोई बिजनेस के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई घर के लिए, कोई अपने कष्टों के निवारण के लिए, कोई अपनी संतान के लिए, जिस भी प्रकार से आप अपनी मनोकामना के हिसाब से विनती कर लीजिए। अब मंदिर में एक साफ चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कीजिए, यानी छवि स्थापित कीजिए एक चौकी पर। आप उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, ऐसे ही नहीं आपको चौकी रखकर और छवि रख देनी है यानी तस्वीर, आप उस पर लाल कपड़ा अवश्य बिछाइए और उस पर प्रतिमा रखिए। उन्हें फूल फल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें, यानी फल रखिए आप वहाँ पर, धूप रखिए, दीप रखिए, लगाइए, नैवेद्य फल अर्पित करें उनको। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाइए। गाय का घी मिले तो बहुत ही शुभ माना जाता है, आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और दीपक जलाकर श्री विष्णु जी के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पंचामृत में तुलसी की पत्ती डालकर भोग लगाएं। अगर आप विष्णु हरि को तुलसी के पत्ते नहीं डालते हैं तो उनका भोग संपूर्ण नहीं माना जाता। आप एकादशी के दिन हर एक एकादशी को भगवान को वैसे भी मिश्री और तुलसी के पत्ते आपको अपनी पूजा में अवश्य रखने चाहिए। अंत में सभी देवताओं के साथ विष्णु जी की आरती उतारें। दिन भर फलार व्रत रखें, यानी कि आपको इसमें कोई अन्न नहीं खाना होता, ये जो है वो फलार का ही व्रत रखा जाता है। आप कूटू खा सकते हैं लेकिन मीठा खा सकते हैं, अन्न और नमक नहीं खाना होता। अगले दिन पारण के शुभ मुहूर्त में भोजन ग्रहण करें। आप सुबह जब निवृत्त होकर स्नान करेंगे तब आपको पारण करना है, फिर उसके बाद में आपका भोजन ग्रहण करें। अब आपको मंत्र कौन सा जाप करना है, अगर आप पूरे दिन व्रत रखते हैं तो आपको एक मंत्र जाप करना होता है, जो आपको कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी है। इस व्रत में विशेष ध्यान रखना, हमें किसी की चुगली नहीं करनी है और हमें अपने हरि विष्णु का जाप करते रहना है। अगर आपको कुछ याद भी नहीं आ रहा तो ओम नमो नारायण भी बोल सकते हैं, ओम हरि भी बोल सकते हैं, आपके हिसाब से जैसा आपको सही लगता है, जो आपको याद आता है। सिर्फ अपने विष्णु हरि का ही गुणगान करना है, लेकिन इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके सारे कष्टों का निवारण होगा और आपको दिन दुगनी रात चौगुनी होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा, आपके घर में सुख शांति और वैभव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके बच्चे, आपका व्यापार, आपकी दुकान, आपका कारोबार, आपका घर सुख शांति ऐश्वर्य से भर जाएगा। तो जया एकादशी के दिन आपको मंत्र का जाप करना है, ये ओम हूँ विश्वे नमः, और या आप दूसरा मंत्र बोल सकते हैं।